नमस्ते प्रणाम। मैं गोरी आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे और स्वस्थ और मस्त होगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज है 14 अगस्त, कल 15 अगस्त है। 15 अगस्त की बहुत सारे बधाई आप लोगों को। और दोस्तों आप लोग कैसे हैं कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। दोस्तों आज कहीं हम लेकर आए हैं अच्छे जगह पे आप लोगों को टूर कराना है। देखो हमारे पीछे कितना बढ़िया लोकेशन है। आज हम बहुत दिन के बाद दूर आए हैं घर से, ना तो घर पे बैठ के बनाते थे वीडियो, घर की वीडियो। अच्छा है आप लोगों को सोचिए, चल भाई अच्छा अच्छा लोकेशन दिखा दे, अच्छा वीडियो बना दे आप लोगों के लिए, तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें। कुछ खास बात करना था दोस्तों, कल मेरी गुड़िया की जन्मदिन थी। आप लोग हमारे गुड़िया को ज़्यादा से ज़्यादा बधाई देना और दुआ करना कि अच्छा रहे, आगे बढ़ाए। ऐसे ही आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट करते हो, प्यार देते हो, ऐसे बने रहे हमारे वीडियो में। और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें दोस्तों, क्योंकि आप लोग की वो दुआ रहेगी, आशीर्वाद रहेगी, तो वीडियो जल्दी हमारी भी हो जाएगी वायरल। दोस्तों यही सब बात है, घर पे वीडियो बनाते थे, अब कभी ढंग का कपड़ा नहीं होती है, कभी ढंग का चप्पल नहीं, कभी ढंग के जूते नहीं, कभी ढंग का लोकेशन नहीं, तो सारी चीज़ देख के चलने पड़ती है। घर पे वीडियो बनाती तो मैं डेली एक दो वीडियो डालती हूँ, पर वीडियो चलती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चलती है। तो हमने सोची आज कहीं और अलग जगह चलें, तो आप लोग देखें आज कहाँ आई हूँ मैं, अलग जगह पे। बहुत बढ़िया लोकेशन है दोस्तों, आप लोगों भी देखें, देखो कितना अच्छा लोकेशन है, बहुत अच्छा है। तो इसीलिए कह रही हूँ आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, सपोर्ट करें दोस्तों। आप लोगों को दुआ आशीर्वाद की वजह से क्या पता हमारी किस्मत बदल जाए दोस्तों। आप लोग अगर चाहेंगे तो हमारी किस्मत बदल जाएगी, आप लोग नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं हो सकती है दोस्तों, वहीं के वहीं रह जाएंगे हम। पर हमें उम्मीद है कि आप लोग हमें आगे बढ़ाएंगे, जरूर सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जनता इतनी अच्छी है, इतनी प्यार करती है, इतनी वो करती है, नज़रअंदाज रखती है, तो भाई कुछ तो बात होगा ज़रूर। दोस्तों वीडियो के चक्कर में बहुत पैसा खर्चा कर दी, कहाँ गई। 2-3 बार तो हैशटैग आ गई हमारे वीडियो पे भी, जैसे अब राधा दीदी के वीडियो पे आई थी, उसकी तो डिलीट ही हो गया चैनल, तो वैसे ही हमारे पे भी आ गई थी दोस्तों। हमें तो देखना नहीं आता, पता नहीं कैसे हो गया था। फिर हम यूट्यूब वाला बाबा के पास गए, वहाँ हमने सही करवा के लाए, वहाँ भी गए, वहाँ बहुत दूर है यहाँ से कम ये, आज हम यहाँ से बैठे थे 7 बजे शाम को, तो अगले दिन 4-5 बजे जाके पहुँचे थे हम वहाँ। शनिवार को यहाँ से बैठे थे, संडे को 4-5 बजे पहुँचे थे वहाँ पे जाके। 2 महीने की बात होगी दोस्तों, 2 महीना हो गया गए थे हम यूट्यूब वाला बाबा के पास। और तो उन्होंने देखा हमारा चैनल, सही कर दिया, तो अब सही चल रही है, सही व्यू आ रही है दोस्तों, सही जनता की प्यार हो रही है, सही है। तो ऐसे ही हमारे वीडियो में प्यार बनाए रखें। एक और ख़ास बात करना चाहती हूँ कि मेरी गुड़िया एक छोटी सी थी, वो क्या नाम है, उसके पापा आए हैं, वो घर चली गई, और हम दुखी हो रहे हैं दोस्तों, बहुत दुखी हो रहे हैं। और मेरी गुड़िया दूर चली गई है, वहाँ हम जाएंगे 3-4 दिन की टाइम, कम से कम 1 हफ्ता आराम से लगेगी आना जाना, तो हम जा नहीं रहे कि बच्चे की पढ़ाई चल रही है, इधर 15 अगस्त आ गई, और मेरी बहन मान नहीं रही है मेरी गुड़िया को भेजने के लिए, कह रही नहीं भेजूंगी, नहीं भेजूंगी। अब तो उसने 2-3 दिन होगी, 3-4 दिन होगी मान के चलो, 4-5 दिन है, आज 5वां दिन है, उन्होंने अब फ़ोन ही बंद कर रखी है। मेरे बच्चे भी परेशान हो रहे, ना थी गुड़िया तो बात तो हो जाती थी कम से कम फ़ोन पे, वैसे बात हो जाती थी, बात करती थी डेली, मम्मी मेरे को लेने आ जा, मम्मी ये मारते हैं, इसके बच्चे खेतों में जाते हैं, हम ये वो बहुत सारे बात बताती थी। मैं बीमार होगी, मेरे को दवा भी नहीं दिलवा के लाती यार, अब बात भी नहीं होती है, 5 दिन हो गई है, तो परेशान हो रहे हम। दोस्तों आप लोग सपोर्ट करें और ऐसे प्यार दुलार दें कि ताकि हम आगे बढ़ाएं, हम अपनी गुड़िया को ले आए जाके। और हमारे साथ वीडियो में आती थी, कौन कौन हमारे वीडियो देखते थे कमेंट में ज़रूर बताएं कि वो मेरी गुड़िया आती थी, कितनी अच्छी थी, कितनी शरारती थी, कितनी हंसती, इधर उधर कूदती, नाचती, अभी होती तो मेरे पीछे पीछे इधर उधर भाग दौड़ करती रहती, ये अभी है नहीं, तो इसलिए अच्छा नहीं लग रहा दोस्तों। यही बात है कि अब हमारे वीडियो को आप लोग प्यार दें, आगे बढ़ाएं हमें, ताकि दोस्तों हम किसी लायक हो जाएं। हमारी बहन ऐसी है ना, वो सोचती है ऐसे, उल्टा सीधा बात भी बोलती थी कि अपने बच्चों को तो तू पढ़ाती है, हमारे बच्चे को पढ़ाती नहीं है, मेरी सहारा है बुढ़ापे की, तो क्या नाम है, मेरे बच्चे को
पढ़ाऊंगी, मैंने कि भाई तेरे पे 5-6 लड़कियां और हैं उनको पढ़ा ले। अभी इसका छोटी सी से आई थी, अभी से 3-4 साल हो गई थी मेरे पास, अब चौथा साल लग गया था। तो ये पहचान ही नहीं रही थी उनको, मम्मी पापा कुछ नहीं, वो सब कुछ हमें ही कहती थी। तो वो उसे कह रही थी मेरे लड़की को बुला दी, वो उसे बोली कि भेज दे भेज दे। उसके पापा आए थे धान लगाने, तो मेरे भाई की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मेरे भाई मेरे भाई भी खो गया था, उसे ढूंढ ढूंढ के लाए। तब मेरे जीजा आए थे तो उसे ले गए, भाई को, भाई के साला भी आए थे तो उसे ले गए घर। तो वो मेरी बहन फ़ोन करी भेज दे और राशन कार्ड में अंगूठा लगेगा, तब वो इसलिए मैंने भेज दी। मैंने कि नहीं नहीं भेजूंगी, तो बोली मेरे राशन कार्ड बंद हो जाएगी, अगर ये रहेगी राशन कार्ड में फिंगर लग जाएगा फिर मैं 10-15 दिन में भेज दूंगी। फिर भी मैं मान नहीं रही थी, हमारे घर के कोई भी नहीं मान रहे थे, कह रहे थे नहीं जाएगी नहीं जाएगी। फिर मेरी मम्मी फ़ोन करी, मैंने मम्मी से बताई, मेरी मम्मी बोली भेज दे मैं आऊँगी तो ले आऊँगी। अब तो घर भी बात नहीं हो रहा उनका, घर पर फ़ोन ख़राब हो रहा दोस्तों, बात नहीं हो पा रहा किसी से घर पे, तो इसलिए वो मेरी मम्मी ना तो आती तो ले आती। अब देख रही हूँ मैं रक्षाबंधन तक क्या हो रहा कैसे हो रहा, फिर रक्षाबंधन के बाद जाऊँगी गुड़िया को ले आऊँगी। अब वो तो आने देने का राजी नहीं है, मैं तो चाहे जैसे होते ऐसे ले आऊँगी, मैंने छोटी सी से पाली थी तो इसीलिए मैं उसे ले के आऊँगी। और दोस्तों यही बात थी, मेरी बहन कहती है कि अपना एक लड़का दे दे मेरे को, बताओ एक लड़का, अपनी लड़की छोटी सी है उसे मैंने पाली रखी, अपनी लड़की को भेज नहीं रही है। भाई लड़के हैं तो लड़के बड़े होंगे कमाएंगे कुछ लायक बनेंगे तो तेरे भी कुछ काम आएगी, अब तू घर ले जाके क्या उनको घर में बैठा के बंद करके बैठा के रखेगी। तेरे को पता है कितनी पढ़ाई लिखाई में कितना खर्चा होता, वो मेरे को पता है मैंने कैसे अपने बच्चे पढ़ाई, 4-4 बच्चे पालना कोई हंसी खेल की बात नहीं होती है, बाहर में रह के 4-4 बच्चे पालना कोई वो हंसी बात मजाक नहीं होती है। फिर भी मैंने अपने बच्चे कैसे करके मुसीबत में झेल के पढ़ाई लिखाई मैं किसी के आगे बताती नहीं हूँ, वो तो मेरे को ही पता है, और मेरी एक दो फैमिली है उनको पता है। मैंने अपना घर बाहर सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने बच्चे के पीछे लगी, मेरे बच्चे को पाली, छोटे छोटे थे जब तो 1-1 महीने 2-2 महीने के थे जब मैंने पाली, पढ़ाई लिखाई या पढ़ रहे हैं बच्चे, तो कहती हूँ एक लड़का को दे दे। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं समझदार हो रहे हैं, पढ़ाई छोड़ के उसके घर जाके क्या करेंगे वो, तो इसीलिए वो कह रही मैं अपनी लड़की को नहीं दे रही। मेरे तो जब से ये मेरी लड़की गई मेरे धन घर की लक्ष्मी चली गई, लक्ष्मी थी ये थी बहुत सारे बातें थी, इतने बातें कहूँगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। यही सब बात है आप लोगों के पास शेयर करना था दोस्तों, चलो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब फॉलो करना दोस्तों, इसे दुलार प्यार देते रहना, आगे बढ़ाना हमारे वीडियो को, हमें भी आगे बढ़ाना दोस्तों। आप ही लोगों के दुआ और आशीर्वाद की वजह से हम चल रहे हैं, हमारे बच्चे की 2 रोटी चल रही है दोस्तों, तो आप लोग चाहोगे तो हमारे वीडियो को आगे बढ़ा देना दोस्तों। यही सब बात थी, आप लोगों का राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्ते प्रणाम आप लोगों सभी को दोस्तों। चलो मैं वीडियो यहीं अंत कर रही हूँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करना। बाय।